अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और भाई कराची में तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बाकी शहरों का भी यही हाल है, क्योंकि एक दो दोस्त गए हुए हैं तो बाकी शहरों का भी ऐसी हाल है। तो भाई आज सीन ये है कि ये आप देखें बिखराऊ, आज काम चल रहे हैं घर में काम नहीं चल रहा, असल में आज इवेंट है बिलाल की सालगिरह का, तो इसलिए आज बस तैयारियां चल रही हैं। अभी दोपहर में अभी बेगम को छोड़ना है, 3:30 हो रहे हैं, 4 बजे उसको पॉलर छोड़ना है, और उसके बाद थोड़े से मेरे भी काम है तो वो मैं आपको दिखाता रहूँगा। ये क्या लग रहा है? मार्क्स। अच्छा अच्छा, तो बाकी ये अजीब से लोग भी हैं व्लॉग में जैसे कि पहले की तरह, उनकी अभी तबीयत सही है, उनको ड्रिप व्रिप लगी हुई भाई, और देखते हैं फिर। अभी बेगम को छोड़ना है पॉलर और उसके बाद हॉल भी जाना है, बहुत सारी तैयारियाँ हैं तो वो करनी है, उसके बाद मिलते हैं, ठीक है। तो गाइस अभी हम लोगों ने भाई सारी तैयारी कर ली है हॉल जाने की, और सारी चीज़ें निकाल ली हैं जो जो हॉल में ये सामान सारा लगना है। कोई 800-900 बैलून्स है हमारे पास, बाकी ये सारी चीज़ें ये तो आपको भी समझ नहीं आएगी ऐसे, वहाँ हम जाएंगे तभी। और सबूत भी मेरे साथ जा रहा है, गरीब का कुछ पता नहीं, मैं भी जाऊंगा भाई, तुम लेके अभी जाते हैं, अभी जाते हैं और आपसे मिलते हैं वहाँ पे। ये सारा डेकोरेट भी करना है, वहाँ पे डेकोरेट वाले आ रहे हैं, वो भी दोस्त ही हैं, आपको दिखाता हूँ वहाँ जाके, ठीक है। गाइस मैं हॉल पहुँच चुका हूँ, जो सालगिरह के लिए हॉल कराया चंदे में, वहाँ पर आ गया हूँ। और ये बाबू भाई अभी दादा अपनी फीडर ले गए, ये घर में बहुत रो रहे थे भाई, और अदील भाई से हमने, हमारे फैमिली फ्रेंड भी हैं उनसे मैंने ये सारा बैलून वैलून का काम करवाया है, तो बच्चे अच्छे ये सब सेट हो गया टेबल वेबल, तो वो लोग अरीब और सबूर उसके साथ लगे हुए काम करवा रहे हैं। ये स्टेज है, इस पर थोड़ी सी हम लोग वो करेंगे, यहीं पे सजाएंगे। तो अभी बस काम स्टार्ट हो गया, कोल्डिंग वाला भी आ रहा है और बर्फ़ बर्फ़ भी आ रही है, तो अभी थोड़ी देर बाद मिलते हैं, जब तक थोड़ा सा काम करवाते हैं इन लोगों के साथ, ठीक है। तो गाइस बैलून का काम स्टार्ट हो गया और माशाल्लाह से अभी तक इतने खुल गए, और दानियल भाई बुला रहे हैं। दानियल भाई कैसे हैं आप? ठीक है, हाँ अदील भाई, वैसे अगर लाइट चली भी गई तो दानियल भाई बुला देंगे मुँह से, है आपने बंदा सही हक्का अफेदार पार्टनर है भाई। तो बैलून अच्छे खासे खुल गए, और ये देख रहे हैं सारे बैलून, अभी बस तैयारियाँ चल रही हैं, लाइट जाने से पहले पहले जितना भी हो सकता है काम वो लोग कर लेंगे, उसके बाद ये लोग लगाएंगे जब लाइट चलेंगे। और अलमीर बाबू भैया चीज़ें खा रहे हैं बस, इनकी तो ईद हो ही आज। बहन की सालगिरह में आओगे? बुलाया तुम्हें? नहीं बुलाया ना तुम्हें? आना भी मत तुम, जाओ भाई। तो बस अभी तैयारियां हो रही है, तैयारियां जैसी कंप्लीट हो जाए फिर मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस मैं पॉलर से आ गई, मिरर बहुत गंदा हो रहा है, ऐसे में नज़र नहीं आ रही, तो अभी फिलहाल आप दूर से लुक देख लें, और वही मैं अपनी मियाँ को कहती हूँ कि फुल लुक दिखा लें, अगर मियाँ फ्री हैं तो यहाँ कहीं नज़र नहीं आ रहे, और बाकी घर में भी सब हॉल जा चुके हैं, मियाँ ये रहे, आप मेरा फुल लुक दिखा देंगे? दिखा देंगे, दिखाएँ। तो ये मैडम रेडी हो गई हैं, हम तो अभी रेडी हो रहे हैं, ये इनका फुल लुक है भाई। मैंने भी खुल ले ली क्योंकि पर्स खराब हो जाएगी। हाँ अब इनको मैं बोल लूँगा वहाँ पे चले जाएँ, क्योंकि मैं तो अभी रेडी हो रहा हूँ, देखें आप अधूरे बाल हुए हैं, तो वहाँ पे जो गेस्ट आना शुरू हो गए, तो ये वहाँ पे जाके भाई उनको देखें और उनके साथ थोड़ा उनका साथ दें, बैठे बैठे और जाके सेटल, कोई कमी वमी तो नहीं हुई, तो इसलिए जाके तुम देखो, मैं जाके लेके नहीं चले, आप मुनासिब गाड़ी आ गई है आप जाए, ठीक है ना। आप जाए वहाँ पे व्लॉग ऑन करें, क्योंकि मैंने किसी को भी नहीं दिखाया अभी तक कि कैसा हॉल सजा है, क्योंकि ये मैं बोला जब सब अच्छे से हो जाएगा फिर एक साथ ही दिखाएंगे ना, तो अभी तो आपको जाके वहाँ पे दिखाएगी कि हॉल कैसा सजाया, और बाल इग्नोर करो क्योंकि अभी मैं बना रहा हूँ। तो फाइनली हम हॉल पहुँच गए, और माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त डेकोरेशन हुई है, ये बच्चा पार्टी। हेलो एवरीवन, हाय, अच्छी लग रही हूँ। शुक्रिया शुक्रिया। 500 रुपये दे रहे हैं? आप क्यों छुप रही हो? क्या बोले? 500 रुपये दे दो ना सर, पड़ेगा ना। अस्सलाम वालेकुम अब्बो, कैसी हैं? थैंक यू, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी लग रही है सारी? माशाल्लाह बहुत जबरदस्त। दिखाते हैं आपको सब डेकोरेशन, मेहमान भी सब आ गए हैं, और ये हमारे उज़ैफा भाई, ये नासिर भाई, और ये हमारी डेकोरेशन जो बहुत प्यारी हो गई, और ये अदील और दानियल ने की है तो बहुत प्यारी है। यहाँ कुछ अलमीर और मेराज की पिक्चर्स हैं,
माशाल्लाह। ये है चाचा, ये हमारे चाचा। हेलो चाचा। बाकी सब मेहमान आना शुरू हो गए और फिर हम आपको दिखाएंगे तो सब मेहमान। केक लेके जा रहा है उधर पापा की नहीं हैंड वैंड नहीं चलेगा हमारा खुद पूरा हाल हो रहा है भाई सब अभी चलते खाना खोलते खाने की तरफ। हाँ तो भाई अद्दी भाई को होश आ गया यहाँ पे आने का और ये खड़े हैं अद्दी भाई अपनी पोजीशन में और रहमान भाई हमारे पुराने कैटरिंग वाले सारा साल। हाँ क्या हुआ बस कब से अभी बंदा केक कटने के बाद आया और सब ये देखिए लोगों बच्चों ने उजाड़ के रख दिया सारा का सारा सेटअप। अब घर वाले खाना खा रहे और हम भी खाना खाने जा रहे हैं खाना खाते बेगम के साथ बैठ के। टाइम तो बुलाया नहीं हमें आपको केक के टाइम आना चाहिए था दलाला दिखाते नहीं आपको आना चाहिए था ये केक के टाइम पे खुद नहीं आया मैंने इसको बुलाया था भाई दो दो केक कट गए तुम आए नहीं अम्मी पापा का भी कटा है हमारा मिराल का भी कटा है मेरा आपका काटेंगे आपका तो कटेगा केक के साथ गला भी कटेगा। चलो भाई खाना खाते हैं शराफत से और घर पे मिलते हैं फ्रेश होकर। बैलून ढूंढ रहे हैं बच्चे हमारे घर के बैलून नहीं मिल रहे ये देखिए इसको बैलून नहीं मिल रहे ऊपर के बच्चे ना क्योंकि सारे फाड़ दिए इन लोगों ने। और ये मेरा ये अनाया क्या खा रही हो क्या कश्मीर से आई हो तुम ये पीछे क्यों बांधा हुआ तुमने है बारहवीं हो भाई ये बारहवीं नहीं आपका होगा गाय सिखाएंगे आप। ये साथ कैमरामैन 10:30 बजे आया हमारा बुल्ली मामा पापा ये सारे खाना खा रहे अम्मी आज बहुत दूर बैठी हुई है अम्मी आई आप अम्मी भी लेट आई है आज भाई
पप्पो भी खाना है। पप्पो खाना कैसा है? माशाल्लाह बहुत जबरदस्त। ये अरीब तो दूसरी बार खा रहा है। हाँ खाना खा रही है अरीब की अम्मी भी, और अरीब भी खा रहा है भाई। बेगम थोड़ा कम खाओ यार। माशाल्लाह से ही सारे एनवलप मेरा हल के आए और काफ़ी सारे सपने एनवलप दिए हैं माशाल्लाह। गिफ्ट्स भी मैं आपको दिखाती हूँ। हे गाइस, तो हम लोग घर पर आ गए और सारी पार्टी वगैरह ख़त्म हो गई, इवेंट ख़त्म हो गया। तो हमने बोला जो गिफ्ट्स आए वो आप लोग के साथ भी शेयर करते हैं, तो हम लोग गिफ्ट खोल रहे हैं, तो वो दिखाता हूँ मैं आपको। तो भाई ये किसने दिया है? ये किसने दिया? वही देख रहे किसने क्या क्या दिया। अच्छा ये बच्चों ने चिट्ठी फेंक दी है, पता ही नहीं चल रहा किसने क्या दिया है भाई। अभी बोलते हैं सब बता देना, कमेंट कर देना जो जो जिसने दिया है भाई, हमें नहीं पता चल पा रहा क्योंकि इन लोगों ने उसकी चिट सटा दी। जिसने भी दिए दिल से दिए, बस अच्छा नहीं लगता। सबने जो भी दिए सबने बहुत अच्छे दिए माशाल्लाह। जब तक ये खुल रहा है एक साल लगेगा। और ये मिराज के लिए कर रहा है। ओए अलमीर खुश हो रहा है, तो मिराल का है। ओए ओए ये तुम खेलोगे क्या इससे भाई? अलमीर को ये बहुत अच्छा लग रहा है। और ये दूसरा भी, ओहो ये इससे बड़ा हाउस। वाह भाई वाह भाई, दो दो हाउस आ गए बड़े बड़े। अब कौन सा चाहिए? अब कौन सा चाहिए? अब ये ले जा रहा है, ये अब ये ले जा रहा है। ये क्या करेगा? दो दो घर ले जाके। ये आजमा रीफ इन दोनों ने दिया है। वही आजमा रीफ ने दिए हैं और बहुत सारी बहुत अच्छी अच्छी वो दिए हैं, ज्वेलरी दिए उसके लिए मिराल के लिए। और एक गिफ्ट और है, मेरे डॉल निकली है लेकिन पता नहीं चल पा रहा है भाई कौन सा किसने दिया है। तो आप लोग हमें थोड़ी मदद कर देना, बता देना ना जिसने गिफ्ट दिया। आप कमेंट कर देना, ब्लॉग तो देखते ही हो सारे, तो उससे हमें पता चल जाएगा किसने कौन सा दिया है। ठीक है, तो ये तीन गिफ्ट है, बाकी सबने एनवलप वगैरह दिए। चार बल्कि पाँच गिफ्ट, पाँच बाकी गए। यही खोले हुए थे वो, एक खोल दिया था, इसमें चॉकलेट्स वगैरह थी, बाकी एक ये था। अच्छा भाई, चार पांच गिफ्ट थे, बाकी इन्होंने खोल लिए है, और जो नए जिनके ओपन नहीं करे थे वो आपको दिखा दिए, ओपन कर दिए उसके लिए। सही है ना? वो रही जिसमें चॉकलेट। अच्छा वो रही भाई जिसमें चॉकलेट थी ना, वो रखी हुई बास्केट। सही है, ठीक है, अब इसको ब्लॉग को एंड कर दें। तो भाई गाइस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, बहुत ज़्यादा थक गए। अम्मी की हालत देखें, हमारी अम्मी को देखें, कल ड्रिप लगवाने लेके जाएंगे हम खून की। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और कमेंट भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करें ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को। फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।